हेलो स्टूडेंट्स ओ टू आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं लास्ट वन ईयर के एच सी एस प्रीलीम्स के लिए जैसा कि आपको पता है कि एच सी एस प्रीलीम्स जो है वो जुलाई के मंथ में कभी भी आ सकता है तो उसके लिए हम प्रेपरेशन uh, कर रहे हैं और पिछले एक साल की जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आज आपका डे नंबर फाइव है जिसके अंदर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर टू कवर करेंगे लास्ट क्लास के अंदर मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर कवर किया था जिसके अंदर हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर्स को कवर किया था उससे पहले हम आर्ट एंड कल्चर फिनिश कर चुके हैं जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पी चाहिए तो आपको ओ टू आई की ऐप को पहले डाउनलोड करना है और उस ऐप पर जाकर आपको एच सी के रिगार्डिंग एक कोर्स मिल जाएगा उस कोर्स के अंदर करंट अफेयर का अलग से फोल्डर बना है उसमें जाकर आप जो पी है उनको डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा जो भी स्टूडेंट स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमने बहुत सारे जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं उसको लॉन्च किया हुआ है एच के लिए भी फाउंडेशन कोर्स है जिसके अंदर हमने हर एक सब्जेक्ट को कवर किया है आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो बोट्स के बारे में तो रिसेंटली एक रिसर्च हुई जर्मनी के दो इंस्टीट्यूट्स के अंदर उन्होंने ये पाया कि जो माइक्रो बोट्स है अगर उनको बॉडी के अंदर मूव करवाना है तो वो लाइट को यूज़ कर सकते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम माइक्रो बोट्स के बारे में जिनको हम माइक्रो स्विमर्स भी कहते हैं एक ऐसे स्फेरिकल से आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उसकी एक तरफ तो होएगी लाइट के सेंसिटिव और दूसरी तरफ होगा डार्क जैसे ही लाइट इस माइक्रो स्विमर के ऊपर पड़ेगी उस टाइम पे जो जो पोर्शन लाइट के सेंसिटिव है वहां से कुछ आय रिलीज होंगे डार्क वाली तरफ जिसकी वजह से ये जो माइक्रो स्विमर है वो मूव कर पाएगा ठीक है तो यहां पे उन्होंने लाइट को एज अ फ्यूल यूज किया है तो माइक्रोबोट्स के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नोरो वायरस के अंदर जो कि केरला वाले रीजन में कुछ जो लोग हैं उनके अंदर पाया गया अगर मैं नोरो वायरस की बात करूं तो ये एक ऐसा वायरस है जो कि ज़्यादातर गैस्ट्रो इंटस्टिनल इलनेसिस करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इल का मतलब ये होता है कि आपके स्टमक में जाकर और आपका जो भी डाइजेशन है उसको खराब कर देगा जिसकी वजह से अच्छे से आयंस की एब्जॉपशन नहीं एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी और उस पर्सन को डायरिया हो जाएगा तो नोवो नोरो वायरस के बारे में आपने याद रखना है ज़्यादातर ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इल्नेस कॉज करता है कैसे फैलता है ये ओरल फीकल रूट से जैसे ही आपने कोई गंदा खाना खाया उसमें वो वायरस प्रेजेंट था वो जाके आपके डाइजेशन को ख़राब कर देगा और आपके फीसिस के थ्रू वो दूसरे पर्सन को जाकर फैल सकता है नेक्स्ट हम बात करते हैं निपा वायरस के बारे में जो कि केरला के अंदर इसका आउटब्रेक हुआ था अगर मैं निपा वायरस की बात करूं, तो ये एक ऐसा वायरस है जो कि जो फ्रूट बैट्स होती हैं, उनके अंदर चला जाता है अब अगर वो फ्रूट बैट किसी भी फ्रूट को खाएगी या फिर उस बैट का जो यूरिन हो गया ब्लड हो गया और सलाइवा हो गया वो किसी भी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएगा चाहे वो फ्रूट्स के द्वारा हो चाहे वो किसी एनिमल के द्वारा हो तो ये वहाँ से किसी भी एनिमल और ह्यूमंस को ट्रांसमिट हो सकता है दैट मीन्स ये एक जुनॉटिक वायरस है जोनॉटिक वायरस का मतलब यही होता है कि वो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हो सकता है इस डिज़ीज़ के अंदर कुछ सिम्टम्स शो होते हैं जैसे कि एक्यूट एन्सेफलाइटिस और रेस्पिरेटरी इलनेसेज होते हैं

और ट्यूबर कुलॉसिस जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया कॉज करता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकोलासिस तो ये जो बैक्टीरिया है वो लंग्स के अंदर जाकर रिजाइड करने लग जाता है उसकी वजह से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ इफेक्ट्स शो करने लग जाती है कुछ सिम्टम्स शो करने लग जाती है बहुत ज्यादा म्यूकस रिलीज हो जाने लग जाता है कफिंग होती है स्नीजिंग होती है और ऐसे ही ये जो बैक्टीरिया है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है तो यहां पर आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर इलेवन मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि पल्मनरी टीबी से जूझ रहे हैं इसके बाद सेकेंड नंबर ऑफ केसेस पाकिस्तान में पाए गए और उसके बाद इंडोनेशिया पहले तीन आपने कंट्रीज़ को याद रखना है नेक्स्ट हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में तो रिसेंटली जो डब्ल्यू एच ओ है उन्होंने एक वैक्सीन को अप्रूव किया है कि ये जो वैक्सीन है वो अफ्रीका वाले रीजन में आप यूज कर सकते हैं अगर मैं मलेरिया के अगेंस्ट वैक्सीन की बात करूं तो इससे पहले मलेरिया के अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी दैट मीन्स ये जो वैक्सीन है वो अपने आप में सबसे पहली वैक्सीन है इस वैक्सीन को मॉस्क्यूरिक्स नाम से भी बेचा जा रहा है और ये जो वैक्सीन है वो ब्रिटिश की एक फार्मेसी कंपनी ने बनाई है जिसका नाम है ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन ठीक है अगर मैं मलेरिया के बारे में बात करूं तो आपको पता ही होगा कि मलेरिया जो है वो एक ऐसा प्लाज्मोडियम है इसके अलग अलग वेरियंट्स होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम वाईवैक्स हो गया एंड प्लाज्मोडियम फेलसीपेरम हो गया ठीक है ये एक माइक्रोब है ये जो माइक्रोब है वो इस मस्किटो के अंदर एंटर कर जाता है इस मस्किटो का नाम है फीमेल एनाफिलीज मस्किटो दैट मीन्स जो मलेरिया है वो हमेशा फीमेल अनोफिलीज मस्किटो से ही ट्रांसमिट हो सकता है अगर मैं इस माइक्रोब की बात करूं तो ये जो माइक्रोब है वो अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में कंप्लीट करता है एक होस्ट तो हो गया इसका फीमेल अनोफिलीज मस्किटो और दूसरा होस्ट हो गया ह्यूमन तो फीमेल फीमेलिज मस्किटो जब भी ह्यूमंस को बाइट करते हैं तो यहां पे कुछ जो हैं इस स्पोर के वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और फर्दर ये जो माइक्रोब है हमारी बॉडी के अंदर ही अपनी बाकी की जो लाइफ लाइफ स्टेजेस हैं साइकिल के अंदर वो कंप्लीट करता है तो यहां पे स्पोरोजॉइट से गेमिटोसाइट बन जाते हैं और आपको पता ही है कि जो गेमीटोसाइट है उसमें मेल और फीमेल गेमिटोसाइट जो है वो दोबारा से जब कोई अनोफलिस्किटो बाइट करेगी तो वो इस मस्कीटो के अंदर चले जाते हैं और अल्ट्राउंड अल्टीमेटली जो गेमीट्स होते हैं वो इस मस्कीटो के अंदर फर्टिलाइज कर जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन के जो स्पोरोजोइट्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं तो ये लाइफ साइकिल जो है ऐसे कंटिन्यू ही रहता है नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमिश्योर किट के बारे में तो हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है दैट मीन्स आई है अभी रिसेंटली उन्होंने सार्स कोरोना वायरस टू का एक वेरिएंट है जिसका नाम है ओमिक्रोन उस ओमिक्रोन को डिटेक्ट करने के लिए एक किट बनाई है जिसका नाम है ओमिश्योर किट अब ये जो ओमिश्योर किट है वो आर टी पी सी आर किट है आर टी पी सी आर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है दैट मीन्स अगर कोई भी वायरस एंटर किया है ये जो किट है उसको एम्पलीफाई करके डिटेक्ट करती है कि ये कौन सा वायरस अवेलेबल है कौन सा वेरियंट अवेलेबल है अब ये जो किट है एक पर्टिकुलर टेक्निक को एलिमिनेट करती है जिसका नाम है जिनोम सिक्वेंसिंग देखो होता क्या है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है तो जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर किसी भी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके हर एक नाइट्रोजन बेस को डिटेक्ट किया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक होती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए यहां पे किट जो है, वो ICMR ने बनाई है जो कि टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा मैन्युफैक्चर करी जाएगी अगर मैं आईसीएमआर के बारे में बात करूं तो ये तो आपको पता ही

अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन की बात करूं तो यहां पर अलग अलग टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन होती है सबसे पहली है ऑटोग्राफ्ट ऑटोग्राफ्ट के अंदर एक जो पर्सन है उसकी एक पर्टिकुलर जगह का कोई भी ऑर्गन या फिर उसके कुछ सेल्स जो हैं वो दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं अगर मैं आइसोग्राफ्ट की बात करूं तो यहाँ पे दो आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं उनके जो ऑर्गन्स या फिर सेल्स होते हैं एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं अब नेक्स्ट है आपका एलोग्राफ्ट एलोग्राफ्ट के अंदर दो ह्यूमंस के बीच में ट्रांसप्लांटेशन होगी जो कि बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है दैट मींस वो एक ही स्पीशीज से तो बिलोंग करते हैं लेकिन वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं हैं तो इसको हम बोलते हैं एलोग्राफ्ट और एक ट्रांसप्लांटेशन होती है आपकी जीनोग्राफ्ट जीनोग्राफ्ट का मतलब होता है कि दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं जैसे कि मंकी और ह्यूमंस हो गए इन द सेम वे जैसे कि पिग और ह्यूमंस हो गए तो ये दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं और उन दोनों स्पीशीज़ के जो ऑर्गन्स हैं उसको एक दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है इसको हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा कि जो पिग की हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमस के अंदर हुई है उसको हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं ऐसे तो इससे पहले भी बहुत बार जो जीनो ट्रांसप्लांटेशन है वो हुई है लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो सबसे पहली बार जो जीनो ट्रांसप्लांटेशन है वो नाइनटीन के अंदर हुई थी एक बार नाइनटीन में एक छोटी सी बच्ची को बबून का जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट किया गया था लेकिन वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा इक्कीस दिन के बाद ही उस बच्ची की मृत्यु हो गई इन द सेम वे जिस पर्सन के अंदर पिग का जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट किया गया है उनकी भी मृत्यु हो गई है नेक्स्ट हम बात करते हैं मसल डिसफंक्शन के बारे में जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की, की वजह से होती है देखो होना क्या चाहिए कि आपने जो भी खाना खाया है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपकी जो मसल्स हैं वहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए उसके बाद जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो तो उस टाइम पे जो मसल्स के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज है जो कि ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन की, की फॉर्म में होता है वहां से दोबारा से ग्लूकोज बनाया जाता है और वो बनाने के लिए आपको विटामिन डी की जरूरत होती है और जिस पर्सन के अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो पाता तो इसलिए जो मसल्स हैं वो ग्लाइकोजन के अलावा प्रोटीन्स को तोड़ने लग जाती है ताकि वहां से उनको ग्लूकोज मिल सके दैट मीन्स आपके मसल्स का जो प्रोटीन है वो डिग्रेड हो रहा है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है होना क्या चाहिए था कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज कन्वर्ट होना चाहिए था बट ये नहीं हुआ तो उसकी वजह से जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं इसकी वजह से मसल वास्टिंग भी हो जाती है दैट मीन्स वाइटमिन डी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरह से मसल वगैरह को ठीक रखने के लिए अगर मैं विटामिन डी की बात करूं तो आपको पता ही होगा कि जो जो होते 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 हैं 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 वो वो दो टाइप के के एक होते हैं एक वाटर और फैट तो ए डी ई सारे के सारे फैट सोल्यूबल होते हैं तो आपको पता चल गया कि वाइटमिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल है और वाइटमिन डी का जो फंक्शन है आपकी बोन्स और मसल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट वगैरह को एब्जॉर्शन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीकन स्वाइन फ़ीवर के बारे में तो रिसेंटली थाईलैंड वाले रीजन में अफ्रीकन स्वाइन फ़ीवर के साथ जूझते हुए जो पिग्स हैं चाहे वाइल्ड पिग्स हों चाहे डोमेस्टिकेटेड पिग्स हों तो उनके अंदर ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो देखा गया है अफ्रीकन स्वाइन फीवर आपको पता ही चल गया कि ये जो है वो पिग्स को ही होता है दैट मीन्स ये ह्यूमन्स को नहीं हो सकता जोनॉटिक डिजीज़ नहीं है ह्यूमन्स को नहीं हो सकता सिर्फ एनिमल्स को ही होता है अब उन पिग्स के अंदर हेमरेजिक फीवर होता है हेमरेजिक फीवर का मतलब ये है कि इन पिग्स के अंदर जो ब्रेन होता है उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक तरह से बर्स्ट कर जाती हैं और ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है वो इंडिया के अंदर भी 2021 में इसके केसेस देखने को मिले थे इसको इसको कैसे प्रिवेंट या क्योर किया जाता है तो जिस भी पिग्स को ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर हुआ है उन सारे पिग्स को मारना ही एक सोल्यूशन है दैट मीन यहां पे एनिमल्स की कलिंग की जाती है तो ये चीजें आपने याद रखनी है नेक्स्ट हम बात करते हैं नियोकोव वायरस के बारे में तो नियोकोव वायरस जो है सबसे पहली बार 2011 के अंदर आइडेंटिफाई किया एक पर्टिकुलर बैट के अंदर ही आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम है न्यूरोमीसिया अब क्योंकि इसका नाम न्यूरोमीसिया है तो यहां से ही इसका नियोकोव वायरस जो है उसका नाम रख दिया गया सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका वाले रीजन में इसको पाया गया था और जानने को ये मिला कि ये जो नियो को वायरस है उसकी 85 फाइव परसेंट रिजेंबलेंस जो है वो मर्स को कोरोना वायरस के साथ मिलती है दैट मीन्स जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रम कोरोना वायरस है जो कि सबसे पहली बार 2012 में सऊदी अरेबिया वाले रीजन में आइडेंटिफाई किया गया था उसके साथ ही 85 फाइव परसेंट रिजेंबल करता है पर जो मर्ज वायरस है वो तो ह्यूमंस में देखने को मिलता है दैट मीन्स वो जोनॉटिक वायरस है लेकिन जो नियोको वायरस है वो ह्यूमंस में नहीं होता अभी तक जितनी भी स्टडीज है उसमें यही पाया गया है कि ये ह्यूमंस के अंदर एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट नहीं होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज के बारे में तो ये कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन वाले रीजन में ही पाई जाती हैं ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है जैसे आपको पता है कि ये इक्वेटर है इक्वेटर के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ साउथ वाला जो रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन है ठीक है और क्योंकि इस रीजन में अलग ही टेम्परेचर होता है फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बारिशें होती हैं तो ये जो टेम्परेचर और ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्रीड करने का मौका देती हैं जिसकी वजह से जितने भी मस्कीटोज वगैरह हैं वो ह्यूमन्स को कोई ना कोई जो वायरस या बैक्टीरिया है वो ट्रांसमिट करते रहते हैं दैट मीन्स क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है तो इस वजह से ये जो डिजीजेस हैं वो हो रही हैं तो इसीलिए इसका नाम निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है और ये जो डिजीजे हैं उनको प्रिवेंट और ट्रीट भी किया जा सकता है कैसे अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखोगे और जो स्टैंडिंग वाटर है स्टेग्नेट वाटर है उसको नहीं खड़ने दोगे और वहाँ पे मस्कीटोज वगैरह हैं वो नहीं ब्रीड करेंगे तो दैट मीन्स अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखोगे अपने आसपास तो ये डिजीजेस आपको नहीं हो सकती हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है जो कि हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है अभी रिसेंटली उन्होंने एक इम्यूनो सेंसर को बनाया है ये इम्यूनो सेंसर जो है वो जैपनीज एंसेफेलाइटिस वायरस के एक पर्टिकुलर प्रोटीन को रेकोगनाइज़ कर सकता है दैट मीन्स अगर किसी पर्सन के अंदर ये वायरस प्रेजेंट है तो उस उसकी बॉडी के अंदर इस इम्यूनो सेंसर को डाल दिया जाएगा और वो डिटेक्ट कर सकता है कि एक पर्टिकुलर जो प्रोटीन है जो कि इस वायरस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है जिसका नाम है नॉन स्ट्रक्चरल वन सिक्रिटरी प्रोटीन तो इसको जाके रेकग्नाइज करता है और उसके बाद डिटेक्ट uh, हो जाता है कि इस पर्सन को ये वायरस जो है उसने इन्फेक्ट किया हुआ है अगर मैं जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस वायरस के बारे में बात करूँ तो ये एक ग्रुप ऑफ फ्लैवी वायरस हैं जो कि किसी भी पर्सन को हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंसेफेलाइटिस आया है दैट मीन्स यहाँ पे इसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो मैनजेज होते हैं जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ पर इंफ्लामेशन हो जाती है ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है ये जो वायरस है वो एक पर्टिकुलर मस्कटो द्वारा ही फैलाया जाता है और ये जो मस्कीटो है अगर किसी भी पर्सन को आकर बाइट करता है तो वहां से ये जो वायरस है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और इस वायरस का जो आउटब्रेक है इंडिया के अंदर देखने को भी मिला था 2005 के अंदर और इसके रिगार्डिंग जो मास वैक्सीनेशन है वो भी एक तरह से प्रोवाइड करी गई थी सरकार द्वारा नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्रोमगेली डिजीज के बारे में तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर जो पिट्यूटरी है पिट्यूटरी एक ऑर्गन है जो कि आपके आ, फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है ठीक है वो जो पिट्यूटरी है वो कुछ ना कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है लेकिन जो हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही होने चाहिए अगर उससे ज्यादा होंगे तब भी प्रॉब्लम है और कम होंगे तब भी प्रॉब्लम है तो जो पिट्यूट्री ने ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कर किया वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ किया कि हर एक ऑर्गन की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा ही एक्सेस में हो गई दैट मीन्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े ऑर्गन दिखने लग जाते हैं तो इसी डिजीज को हम एक््रोमगैली डिजीज कहते हैं इसके अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे स्लीपीलेसनेस हो गया फिटीक हो गया हॉर्स वॉइस हो गया तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि इस डिजीज में देखने को मिलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं फेयर बैंक डिजीज के बारे में तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो बोन्स डेवलप हो रही हैं वो अजीब तरीके से डेवलप होने लग जाती हैं अगर मैं बोन्स की बात करूं डेवलपमेंट की बात करूं तो एक जो पर्टिकुलर बोन होती है उस टाइम पे वो जो बोन जहाँ से भी डेवलप कर रही है उसके एंड्स पे जो आपका कार्टिलेजेस हैं वो जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो जो कार्टिलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं दैट मीन्स वो यहाँ पे स्ट्रांग हो जाते हैं और ऐसे ही इस बोन की डेवलपमेंट होती है इस प्रोसेस को हम ऑसीफिकेशन कहते हैं और जो फेयर बैंक डिजीज है जिसको हम मल्टीपल एपीफिजियल डिस्प्लेजिया भी कहते हैं इसके अंदर जो ऑसीफिकेशन प्रोसेस है वो डिफॉर्म हो जाती है मतलब अच्छे से नहीं हो पाती तो यहां पे आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे बोन्स के नेक्स्ट हम बात करते हैं लासा फीवर के बारे में तो जो लासा फीवर है वो एक पर्टिकुलर वायरस द्वारा ही फैलाया जाता है जिसका नाम है लासा वायरस ठीक है कॉमनली इसको हम लासा वायरस कहते हैं आपने इतना याद रखना है अब ये जो लासा वायरस है सबसे पहली 1969 में नाइजीरिया लासा वाले रीजन में आइडेंटिफाई किया गया इसी डे का ऐसा नाम है और ये जो वायरस है वो जो रैट्स हैं, उनके द्वारा फैलता है अगर रैट्स का अगर कोई भी जो फ्लूइड है अगर वो किसी चीज़ के भी कॉन्टैक्ट में आएगा जैसे उनका जो यूरिन हो गया वो कॉन्टैक्ट में आएगा किसी टेबल के और उस टेबल से ह्यूमंस को वो ट्रांसमिट हो सकता है दैट मीन्स ये एक जूनोटिक डिज़ीज़ है इस डिज़ीज़ के अंदर जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है दैट मीन्स अगर किसी को भी लासा फीवर जो है अगर होगा तो बहुत कम चांसेस है कि वो मरेंगे लेकिन कुछ ऐसे पर्सन है जिनके अंदर डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गए ठीक है तो वो इन वायरस को नहीं झेल पाती इसके अगेंस्ट एक ड्रग भी अवेलेबल है जिसको हम राइबे कह रहे हैं ये एक एंटीवायरल ड्रग है जिसके द्वारा इस लासा फीवर को क्योर किया जा सकता है नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। तो ये सबसे पहली इंडियन की ऐसी वैक्सीन है जो कि प्लाज्मिड डीएनए के ऊपर बेस्ड है दैट मीन्स ये एक प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है अगर जो वैक्सीन अगर मैं वैक्सीन्स की बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैक्सीन्स होती हैं जैसे प्रोटीन वैक्सीन हो गया आर वैक्सीन हो गया डी वैक्सीन हो गया तो आपने याद रखना है कि ये एक प्लाज्मिड डी वैक्सीन है अगर कोई भी वैक्सीन डीएनए की फॉर्म में दी जाएगी तो उस डीएनए से सबसे पहली बार बनेगा आरएनए और उस आरएनए से बनेगा प्रोटीन और अल्टीमेटली जो प्रोटीन है जैसे कि स्पाइक प्रोटीन है वो हमारी बॉडी जो है उसको स्पाइक प्रोटीन को रेकोगनाइज कर लेती है और उसके अगेंस्ट ही जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स है जिसको हम एंटीबॉडीज़ भी कह देते हैं वो उसके अगेंस्ट बना लेती हैं तो ये कुछ चीज़ें आपने जाइकॉफ डी के बारे में याद रखना है ठीक है और ये किसने बनाई है अहमदाबाद बेस्ड जाइडस कैडिला ग्रुप ने इस वैक्सीन को बनाया है ये अप्रूव होने वाली फिफ्थ वैक्सीन है हमारे इंडिया के अंदर इसके अलावा चार कौन कौन सी वैक्सीन है जिसको अप्रूव किया गया है तो कोविशील्ड को वैक्सीन स्पुतनिक हो गया और मॉडर्ना हो गया ये सब वैक्सीन आपने याद रखनी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक इंट्राडर्मल वैक्सीन है और इसको विदाउट नीडल फ्री सिस्टम के द्वारा भी इंजेक्ट किया जा सकता है दैट मीन्स ये जो स्किन है उसके अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दी जाती है और उसके लिए किसी भी नीडल की जरूरत नहीं है एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है जिसके द्वारा जो प्रेशर अप्लाई करके डायरेक्टली वो वैक्सीन जो है वो स्किन के अंदर चले जाती है तो ये कुछ चीज़ें आपने जाइडस वैक्सीन के बारे में याद रखनी है नेक्स्ट हम तो बात करते हैं मिस्टीरियस लिवर डिजीज के बारे में तो रिसेंटली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर छोटे छोटे जो बच्चे हैं एक से लेकर छः साल तक के बच्चे उनके अंदर ये डिजीज़ देखने को मिली है अब इस डिज़ीज़ का नाम मिस्टीरियस लिवर डिजीज़ इसलिए है क्योंकि ऐसे तो लिवर को इन्फेक्ट करने वाले या फिर ऐसे जो माइक्रोब्स हैं जो कि लिवर से रिलेटेड हैं जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस ए बी सी डी ई हो गया लेकिन इस डिजीज़ में पाया गया कि ये इस डिज़ीज़ के लिए हेपेटाइटिस वायरस रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि एक और वायरस जो कि एक कोल्ड वायरस है जिसको हम एडीनो वायरस भी कहते हैं वो इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट मीन्स ये जो डिजीज है इसके पीछे जो मिस्ट्री है अभी तक उसको रेकग्नाइज नहीं किया गया है नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक इंस्टीट्यूट को जिसका नाम है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज में बच्चों को इनरोल करते हैं अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्सेप्शन रखी है कि जिन भी बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस है उनको हम नहीं इनरोल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इस एक्सेप्शन को हटा दो तो बात कर लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अगर मैं कलर ब्लाइंडनेस की बात करूँ तो यहाँ पर जिस भी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है वो अलग अलग कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है ठीक है अब कलर्स को डिफरेंशियट करने के लिए एक पर्टिकुलर सेल्स होती हैं कौन सी सेल हैं आपकी आई के अंदर जो रेटिना वाली सेल्स होती हैं उसके अंदर रॉड सेल्स होती हैं और कौन सेल्स होती हैं उसमें से जो रॉड सेल्स होती हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं दैट मींस अभी अभी लाइट है अभी डार्क है उसको कौन डिटेक्ट करेगा रॉड सेल और कलर्स को डिटेक्ट करने के लिए होती हैं कौन सेल्स अब जिस भी पर्सन की जो कौन सेल्स हैं वो डिफेक्टिव हो जाएंगी दैट वो जो पर्सन है वो अल्टीमेटली ही क्या हो जाएगा कलर ब्लाइंड हो जाएगा ऐसे ही आपको फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है ये जो फिल्म एंड टेलीविजन के रिगार्डिंग जितने भी कोर्सेज हैं उनके रिगार्डिंग ये ऑफर करते हैं कोर्सेज बच्चों को और बच्चे जाके इसमें इनरोल होते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ह्यूमंस का जो डीएनए है उसको सीक्वेंस करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था नाइनटीन में ये प्रोजेक्ट चलाया था और दो के अंदर ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया था जिसके अंदर ह्यूमन के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है उसको पूरा का पूरा सीक्वेंस किया गया सीक्वेंस का मतलब यहां पे लेमेंस लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो उस डीएनए के अंदर जितने भी मोलिक्यूल्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से मॉलिक्यूल कहाँ कहां पे प्रेजेंट है और कौन कौन सी जो जीन है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है इसको हम सीक्वेंसिंग कह देते हैं लेकिन उस टाइम पे सिर्फ परसेंट ह्यूमन डीएनए जो है उसको सीक्वेंस किया गया था तो न्यूज़ में था आपको याद होना चाहिए कि होता क्या है और कितना परसेंट जो ह्यूमन जिनोम सीक्वेंसिंग है वो लेफ्ट आउट थी जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ क्वेस्ट के बारे में तो रिसेंटली इसरो ने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है हेल्थ हेल्थ क्वेस्ट क्वेस्ट की फुल फॉर्म है हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ ठीक है इसके अंदर होता क्या है कि जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे यूज होगी तो इस चीज को एक तरह से काउंटर करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जैसे हेल्थ सर्विसेज फॉर एग्जांपल एक एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस ने एक पर्टिकुलर लोकेशन से कहीं और जाना है तो उसको जी सिस्टम चाहिए ठीक है जी सिस्टम के लिए अगर उसके पास जो जी सिस्टम है कहाँ से आ रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी से आ रहा है दैट मीन्स यहाँ पर टेली के लिए जी के लिए नेविगेशन के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है तो ऐसे ही इस चीज़ के रिगार्डिंग ही हेल्थ क्वेस्ट को इसरो ने लॉन्च किया है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिसेंटली एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है वो जामनगर गुजरात के अंदर इनोग्रेट किया है अगर मैं इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करूं तो इसके अंदर अलग अलग मेडिसिन के सिस्टम्स आते हैं जैसे कि आयुष बेसिकली आता है इसके अंदर अलग अलग आता है जैसे आयुर्वेदिक हो गया सिद्धा हो गया यूनानी हो गया योगा हो गया दैट मींस इन सारे तरीकों से कैसे किसी भी डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है ये सारी के सारे जो सिस्टम है मेडिसिन के वो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ऑफ इंडिया है क्योंकि आपको पहले पता ही होगा कि हमारी कंट्री के एशियंट टाइम्स के अंदर हमारी कंट्री में जड़ी बूटियों को यूज़ किया जाता था किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए ठीक है तो इसीलिए इस ट्रेडिशनल सेंटर को जामनगर गुजरात के अंदर खोला गया है नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी की बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ठीक है थीके? अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जाकर इस ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं दैट इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव है अब अगर क्या हो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस एंटीबायोटिक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसी चीज को हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं दैट मीन इस माइक्रोब ने इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर ली है ठीक है तो इस ये जो रेजिस्टेंस है आर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का आजकल यूज होने लग गया है तो इस चीज के लिए एक रेड लाइन कैंपेन को लॉन्च किया गया था रेड लाइन कैंपेन का मतलब ये है कि जिस भी एंटीबायोटिक के ऊपर ये रेड लाइन प्रेजेंट होगी वो एंटीबायोटिक आपने अपनी मर्जी से नहीं लेनी है किसी भी जो फिजिशियन है किसी भी डॉक्टर है उसकी परमिशन से या उसकी काउंसलिंग के बाद ही उस एंटीबायोटिक को लेना है अपनी मर्जी से वो दवाइयाँ नहीं लेनी है क्योंकि अपनी मर्जी से लेते हैं उसकी वजह से ही जो माइक्रोब है इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है नेक्स्ट हम बात करते हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में वन हेल्थ कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ इन्वायरमेंट की हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं और एनिमल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं फॉर एग्जाम्पल जो क्लीन वाटर है अगर पानी पॉल्यूटेड नहीं होगा तो दैट मीन्स हम इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहे हैं अगर वो पॉल्यूटेड हो गया तो उसकी वजह से जो मस्कीटोज वगैरह हैं वो उस पर आके ब्रीड करेंगे है ना और यहाँ पे जो एनिमल हेल्थ है एक तरह से वो खराब होगी उसके अंदर जो वायरसेस वगैरह हैं वो एंटर कर गए और वो जो मस्कीटोज हैं वो जाके ह्यूमन की हेल्थ को भी खराब करेंगे अलग अलग डिजीजेस को फैलाने का काम करेंगे अगर हम इन तीनों चीजों की हेल्थ का ध्यान रखें दैट ह्यूमन हेल्थ का भी हेल्थ का भी और एनिमल हेल्थ का भी ध्यान रखें तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट या फिर वन हेल्थ अप्रोच नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूकोर माइकोसिस के बारे में जिसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है तो ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को ही होता है वो कौन सी पॉपुलेशन है ऐसे पर्सन जो पहले ही किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो गई है उन पर्सन को ही ये ब्लैक फंगस होता है तो रिसेंटली जो लोग भी कोरोना वायरस से जूझ रहे थे ज़्यादातर उनके अंदर भी उनके अंदर ही इस ब्लैक फंगस जो है ये जो ब्लैक फंगस है वो देखने को मिली है अगर मैं ब्लैक फंगस की बात करूं तो ये जो पर्सन टू पर्सन तो ट्रांसमिट नहीं होती है बल्कि हवा के अंदर या फिर सॉयल वगैरह के अंदर जो भी इस फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो जाकर किसी की बॉडी के अंदर फेवरेब

वेलफेयर है उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया सी हो गया और आई हो गया एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम करेंगी सार्स कोरोना वायरस टू के ऊपर क्या काम करेंगी अब जो कोविड वायरस है दैट मीन्स जो सार्स कोरोना वायरस टू है उसके अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं उन वेरिएंट्स की स्टडी करेगी क्यों उनके अंदर म्यूटेशन आ रही है और किस पॉपुलेशन में वो ज़्यादातर जो सार्स करोना वायरस टू है वो इन्फेक्ट कर रहा है तो इस सारी स्टडी के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो इंसा कॉक के अंदर एक तरह से इकट्ठी करी जाएगी तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है नेक्स्ट हम बात करते हैं टू डी ड्रग के बारे में तो रिसेंटली जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने एक ड्रग को अप्रूव किया है जो कि एक ओरल ड्रग है मुंह द्वारा लिया गया एक ड्रग है किसके अगेंस्ट है सार्स कोरोना वायरस टू के अगेंस्ट है जो भी लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं वो इस ड्रग को ले सकते हैं ये ड्रग करता क्या है उनकी बॉडी के अंदर जो भी वायरस है उस वायरस के अंदर जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है इकट्ठा हो जाता है ये ड्रग और फिर उस वायरस को डिवाइड नहीं करने देता है दैट मीन्स जो भी वो वायरस है उसकी जो ग्रोथ है वो वहीं पर ही रुक जाएगी ठीक है तो ऐसे ही इस ड्रग को अप्रूव किया गया है तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड बॉन्न डिजीज़ के बारे में तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि फूड में जितना भी कंटेमिनेशन है उसमें जो बैक्टीरिया हो गया वायरस हो गया प्लाज्मोडियम हो गया जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड में आ जाते हैं और उसकी वजह से वो फूड से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो इसको हम फूड बॉर्न डिजीज़ कहते हैं इसके अंदर अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ फ़ूड बताया है और उसमें बताया है कि कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूध की बात करूँ तो जो कच्चा रॉ मिल्क होता है उसके अंदर ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं लेकिन जैसे ही आप उस मिल्क को बॉयल करोगे तो उसके अंदर जितने भी स्पोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं और इस वजह से वो एक तरह से हमारी हेल्थ के लिए ठीक होता है उसको लेना लेकिन अगर आप उसको पेस्चराइज मिल्क नहीं लोगे तो उसकी वजह से जो माइक्रोब है

नेक्स्ट हम बात करते हैं एम बी टैग के बारे में तो आई आई टी रोपड़ ने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है एम बी टैग अब ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक पर्टिकुलर चीज का टेम्परेचर बता, बताने में सक्षम है अगर मैं बात करूँ पेरिशेबल गुड्स की ऐसे गुड्स जैसे कि जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो टाइम के हिसाब से वो डिग्रेड हो सकते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो सकती है तो इस एमबी टैग को उन पेरिशेबल गुड्स के टेम्परेचर जानने के लिए यूज किया जाता है इन द सेम वे जैसे किसी भी ब्लड या फिर किसी ऑर्गन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है है ना उस टाइम पे भी इस डिवाइस को यूज़ किया जा सकता है कि उसका अभी क्या टेम्परेचर है कि अभी ये जो ऑर्गन या ब्लड है वो खराब हुआ है कि नहीं तो टेम्परेचर के हिसाब से पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ खराब हुई है कि नहीं तो इसलिए आई आई ने एम को बनाया है नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्बेकिया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में जो कि रिसेंटली देखने को मिला कि इंडोनेशिया में डेंगू के केसेस जो हैं वो वॉल्बैकिया बैक्टीरिया की वजह से बहुत ज्यादा कम हो गए हैं कैसे कम हो गए तो एक बार देख लेते हैं कि आपको पता ही है कि जो डेंगू है वो एक पर्टिकुलर मस्किटो ही ट्रांसमिट करता है जिसका नाम है एडिज एजिप्टी मस्किटो अब इस मस्किटो के अंदर जो डेंगू वायरस है वो रिजाइड करने लग जाता है और जब भी ये मस्किटो किसी पर्सन को बाइट करता है तो उसकी वजह से वो जो वायरस है पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है लेकिन क्या हो कि अगर इस मस्किटो के अंदर वॉलबेकिया बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए ठीक है अगर इस मस्किटो के अंदर वॉलबेकिया बैक्टीरिया होगा तो उस टाइम पे इस मस्किटो को हम वॉलबेकिया मस्किटो भी कह देंगे और जो डेंगू वायरस और वोलबैकिया बैक्टीरिया है वो एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं और जहां पर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो डेंगू वायरस को नहीं रहने देता दैट मीन्स ये जो मस्कीटो है अगर किसी पर्सन को बाइट करेगा तो उस टाइम पे इसकी बॉडी के अंदर जो वायरस है वो आएगा और वो वायरस रह नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली जब वो मस्कीटो किसी और को इन्फेक्ट करेगा तो उस टाइम पर वो जो वायरस है उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा तो आई होप आपको यहाँ पे जो वॉलबैक् बैक्टीरिया मस्किटो है उसके बारे में पता चला है तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है डेंगू वायरस की सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे आई होप आपको यहाँ तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेशली हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर हमने ज़्यादा कवर किए हैं वो समझ में आए होंगे नेक्स्ट एक और लेक्चर लगेगा मोस्ट प्रोबेबली एक या दो लेक्चर्स लगेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जितनी भी बची हुई न्यूज़ है हम वो सारी कवर करेंगे सो थैंक यू सो मच एंड have a good day.